हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं उठा 9 बजे, मेरा रूटीन थोड़ा ठीक चल रहा है, मैं टाइम से सो जा रहा हूँ। टाइम से तो नहीं बट हाँ, 2 बजे के अराउंड सो जाता हूँ, तो 9 बजे उठ जाता हूँ मैं। और सबसे पहले मैंने टेस्ट का सिलेबस लिखा, और यू गाइस नो कि मैंने एलन की टेस्ट सीरीज ली हुई है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं शायद इसे बिल्कुल पूरी तरीके से इसे फॉलो ना करूं, क्योंकि अगर मैं इसे फॉलो करके अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो दिसंबर तक कंप्लीट होगा मेरा सिलेबस, और फर्स्ट अटैम्प्ट जनवरी में होता है, तो मुझे रिवीजन का तो टाइम मिलेगा ही नहीं, ना 11th के ना 12th के सिलेबस के लिए। तो आई माइट फॉलो द सिलेबस अपने खुद के हिसाब से, मतलब आई विल स्टिल गिव द टेस्ट बट आई वोंट कंप्लीट द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सीरीज। फिर मैं नहाने चला गया। After taking a bath, I listened to some songs, और हाँ पंजाबी सुन रहे हम आज। iPad में बैटरी खत्म हो चुकी थी तो मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया, और फिर फाइनली मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने बैठ गया जो मुझे आज करना है। तो इतना मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूँ, आप लोग बताओ आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना, आई श्योरली रिप्लाई। मैं पढ़ तो लेता ही हूँ सारी कमेंट्स, और मोस्टली सबका रिप्लाई भी कर देता हूँ मैं, मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, और बहुत हेट कमेंट्स भी आते हैं जस्ट सो यू गाइस नो, और काफ़ी डीमोटिवेटिंग कमेंट्स, ऐसे बोलते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा ये वो, बट हाँ आई डोंट माइंड। तो फिर मैं सबसे पहला टास्क करने बैठ गया, और इसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि वो अब आ रहा है इस वाले टेस्ट में। तो हाँ तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हेट कॉमेंट्स, तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, कॉमेंट्स में आके ऐसे बोलते हैं, और बोलते हैं कि यूट्यूब क्विट कर दे ये वो। यार मतलब मैं अपना टाइम निकाल के कर रहा हूँ अपने, और लाइक आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं अपना टाइम निकाल के ये कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है करने में। एनीवेज फिर रिवीजन होने के बाद मैंने थोड़े से और गाने सुने, और गाने से याद आया कि जो मैं स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ ना नीचे कॉमेंट्स में, तो उस पर 50 likes आ गए लिटरली, और 0 likes थे जब मैंने डाला। तो हाँ आई एम ग्लैड आप लोगों को पसंद आया, आप लोग सुनते हो उसे। तो दिस इज़ द सॉन्ग आई एम लिसनिंग, द पूल बाय स्टीफन सैंचेज, और ये मुझे बहुत पसंद है, 11th में सुना था मैंने सबसे पहली बार, और अब भी सुन लेता हूँ मैं काफ़ी बार इसे। फिर आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट टास्क ऑफ द डे विच इज़ द रिवीजन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड इट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मतलब मुझे लगा कि ये चैप्टर्स जब करे हुए हैं तो लेट्स जस्ट फिनिश अप विद देम, फिर मैं बाकी पूरा टाइम किसी और चैप्टर को, 12th के चैप्टर को दे सकता हूँ इंस्टेड ऑफ टेस्ट की तैयारी। सो हाँ, और एज यू गाइज नो मैं एलन के मॉड्यूल फॉलो करता हूँ, और वो ना क्लास के मॉड्यूल्स हैं, मुझे एक सीनियर भैया से मिले थे, वो DLP मॉड्यूल नहीं है तो उसमें सोल्यूशंस नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देर आर मैनी क्वेश्चंस जिनका सोल्यूशन ऑनलाइन मिल तो जाता है बट फिर भी समझ नहीं आते, स्पेशली मैथ्स में। तो इसके लिए आई यूज़ फिलो ऐप, इन दिस ऐप यू जस्ट नीड टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आर स्टक ऑन, एंड विद इन 60 seconds यू विल बी कनेक्टेड विद अ ट्यूटर जो आपका क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देंगे और आपको समझा देंगे कि कैसे होता है ये क्वेश्चन। आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप उनसे पूछ सकते हो फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइक। तो इसके लिए फिलो ऐप बहुत सही है, द ट्यूटर विल मेक श्योर दैट यू हैव योर डाउट क्लियर्ड। फिलो ऐप के प्रीमियम यूजर्स को कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर की NCERT की PDF, NCERT के सॉल्यूशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस विच इंक्लूड्स JEE एडवांस एज वेल, और किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स और क्वेश्चन बैंक, ये सब एक्सेस कर सकते हो। तो आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो यूजिंग फिलो ऐप। सो हाँ यार बहुत हेल्पफुल ऐप है, डू चेक इट आउट एंड यूज़ माई कूपन कोड फिलो AC934 फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑर्डर किया है अपने आईपैड के लिए, जिसे लगा के स्क्रीन शाइन नहीं करेगी, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करेगी ज़्यादा, और लिखने में भी थोड़ा आसानी होगी क्योंकि उसका सरफेस रफ होगा। तो मैं इतना होशियार हूँ, मैंने ट्राई करा कि मैं खुद ही चढ़ा लूँ, और मैंने ऑनलाइन वीडियो भी देखी थी कि कैसे चढ़ाते हैं, और आई ट्राइड एंड आई मेस्ड इट अप सो बैड, अंदर बबल्स ही बबल्स रह गए, बट अब क्या कर सकते हैं, मैं चला रहा हूँ ऐसे ही काम, बट कोई नहीं, मतलब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है वो जब मैं यूज़ करता हूँ, तो हाँ आप लोगों के लिए तो नहीं है प्रॉब्लम, बस मुझे थोड़ा बेकार लग रहा है क्योंकि मुझे दिखते हैं वो बबल्स जब ऑफ हो जाती है स्क्रीन, तो इसलिए ये देखो ये बबल्स रह गए मेरे से, और मैंने काफ़ी हटा भी लिए बट काफ़ी रह भी गए। तो फिर मैंने दिन का थर्ड टास्क शुरू किया विच इज़ द रिविजन ऑफ रिटॉक्स रिएक्शन, और
ये मैंने किया रिवीजन, मैं कर रहा था और मैं रीड कर रहा था लाइन बाय लाइन। मैं ऐसे ही करता हूँ रिवीजन, आई रीड द चैप्टर, एनी चैप्टर, इवन इफ इट्स मैथ, लाइन बाय लाइन, और काफ़ी सही से समझ आ जाता है, बस समझते समझते करते जाओ। बट फिर मुझे लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और टेस्ट में तो आ ही रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे लिख लिख के रिवाइज कर लेता हूँ और इसके सारे क्वेश्चन देख देख के सॉल्व कर लूँगा। देख के मतलब अगर डाउट आए तो देख लूँगा। तो मैंने अपने लैपटॉप में ये खोल लिए नोट्स और मैं आईपैड में लिख लिख के कर रहा था ये। और मैनी ऑफ यू आस्क्ड की रिवीजन कैसे करते हो, तो ऐसे ही करता हूँ मैं लाइन बाय लाइन पढ़ लेता हूँ समझ समझ के सब कुछ, और फिर या तो ही जाता है, और अगर ज़्यादा हो तो मैं नोट्स लैपटॉप में खोल के आईपैड पे लिख लेता हूँ, लिख लिख कर मतलब रिवाइज कर लेता हूँ, ऐसे होता है मेरा रिवीजन। तो हाँ, दिस वॉज इट। मतलब मेरा एक टास्क रह गया, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का रिवीजन प्लस क्वेश्चंस, तो वो नहीं कर पाया मैं, बट कोई नहीं, उसे कल कर लेंगे, अभी काफ़ी टाइम है। सो दिस वॉज इट गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड डू कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब, और ओके बाय बाय।